थोड़ा हिंदी आणि मराठी मध्ये बोले ना, नाही सगळे मराठी तर समजतात। व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बहुत दिनों के बाद जरा हिंदी की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं अभी गाड़ी से उतर रहा था तो एक पल मेरे ध्यान में आया नहीं कि व्यक्ति है कौन। शक्ल तो देखी हुई है, पता चला चंद्रकांत जी है। आणि ते एवढ्यासाठी म्हटलं कारण मला आज सुद्धा चंद्रकांत जी आठवते थे, दाढ़ी वाले। मतलब आप सोचिए कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। अभी अभी तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन इतने साल बीच में गुजर गए, क्यों गए पता नहीं। दुबे साहब भी बहुत सालों के बाद घर आए, राजेश जी पण तसेच, सगळे। पहले तो घर पे आना जाना था, बीच में पता नहीं क्यों क्या हुआ आना ही बंद कर दिया। और अभी आपने जो बात कही कि आने वाले सरकार में हमें भी कुछ चाहिए, अरे आप साथ में रहेंगे तो देंगे ना, मेरे साथ रहेगा ही नहीं तो किसको दे दूं मैं। और पहले भी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी ने उस वक्त भी कोशिश की थी, गणेश श्याम जी थे अभी चंद्रकांत जी, उस वक्त आप आते थे जरूर राज्यसभा के मेंबर, नहीं चंद्रकांत जी रमेश जी आप आते थे जरूर, लेकिन शिवसेना में नहीं आते थे, घर जरूर आते थे। अभी तो खैर अपना गठबंधन ही हुआ है महाविकास आघाड़ी। गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दुबे साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अपनी तारीख तय हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अरे आपका मुहूर्त हा शिव जयंतीचा मुहूर्त है, एक चांगला मुहूर्त है, शिव जयंतीचा मुहूर्त है। आणि ही तर गोष्ट सत्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागाभट्ट आए थे, तो अपना रिश्ता तो इतना पुराना है। पण तेव्हा माझ्या एक गोष्ट माहिती नव्हतं कि इलेक्शन कमीशन बीच में अपना रिजल्ट सुनवा देगी। ठीक है, कल उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, आप खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही नहीं दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रस्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना, उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे, आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा, मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व का नहीं छोड़ा है, भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है, और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है, हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, तो क्यों, तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो बहुत खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा, यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है।
वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ हैं, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदू तो छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीके सिंह कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वाईकर है, विनायक जे, ऋतुजा ताई बसरेते हैं, सब रमेश होता है, भाऊ कोरगावकर है, इकड़े पण कई लोग असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां थे? एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती आ रही, आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई उनको आप अभी गुनेगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला। और ये बात मैं दोहराना इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी, और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी, बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अभी अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहां से लाऊं, तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हमें। बीजेपी को ऐसा लगा था कि वो अकेले की जोर पर सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे, और ये तो मैंने जब दसरा की रैली हुई थी अभी की शिवाजी पार्क, तो मैंने मेरे माँ और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है, उन्होंने मुझे एक वचन दिया था। और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए हैं उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूं, और कभी झूठ बात नहीं करूंगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुनकर आए हो, ध्यान में रखो मोदी जी का चेहरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नका मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें कुछ जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों के तरह से अपने ऊपर छोड़ते। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हैं ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं, लांडगेला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा, सियार म्हणजे पण कोल्हाच होतो, भेड़िया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला?
शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो, लबाड लांडगा ढोंग करते. वो पहिले छोडना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं. अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं. और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था, देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है. क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है. मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य है, मेरा मतलब हम सबका, देश को बचाना है. और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी, राजेश जी तेव्हा तुम्ही मराठा भाजपात असणार सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोद जी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथ जी यायचे, तो एक काळ जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था. आज सारी चीजें शतरंज का खेल हो गई है. आज कहां अपनापन रहा ही नहीं, जो कुछ करना है वो शतरंज हो गए, आपको ये इतना. लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं, घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, यहां तो कोई भी कैसे भी चलता है. तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लोग बिखरे हुए थे. और तब मेरे पिताजी ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, एक ना एक दिन मैं तुझे इस देश का हिंदू बनकर वोट करते हुए दिखाऊंगा. तो प्रमोद जी ने कहा कि बाला साहब कैसे है पॉसिबल, उत्तर भारतीय अलग है, मराठी अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, बीच में पंजाबी है, बंगाली है, तूले देख तू क्या होता है कि नहीं देख. वो दिन तो आ गया, हिंदू बनकर वोट करने लगे. अभी हिंदू उठ गए, जाग गए, अभी जागा हुआ हिंदू खतरा भी हो सकता है, तो उनके आंखों में धूल फेंकी जा रही है. तुम्ही उठला, हिंदू उठले जरूर, पण उठल्यानंतर जागे झालेला हिंदू ह्याला जर का सगळं दिसायला लागलं तर पंचायत होणार. म्हणून मग जो नींद से जाग गए है उनके आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है. मग कुठला तरी एखादा मुद्दा असा फेंकायचा, वो जैसे चुनाव आते हिजाब का मुद्दा आया था, अब कहां गया हिजाब का मुद्दा? हा? फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्याबंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है. बीच में तो और एक मजेदार बात हुई, मुंबई में एक मोर्चा निकला था, हिंदू आक्रोश मोर्चा, याद है? देखा अपने न्यूज में देखा, हिंदू आक्रोश. क्यों हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है, 8 साल से हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा राज है, ये कौन सा राम राज है? और कांग्रेस का जब राज था तो आपको पता है एक नारा लगाया जाता था, इस्लाम खतरे में है. अब नारा बदली हो गया, अब हिंदू खतरे में है, तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए. आपका और हमारा कोई झगड़ा है नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है. जो भी इस देश को अपना देश मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है, आपको आदर दिया है, तो इस देश के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है. तो यही है कि इस देश को अपनी मातृभूमि मानने वाला हर कोई वो हमारा भाई है. और आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, इसलिए क्योंकि घर में भी कुछ उत्तर भारतीय आए थे, नहीं सच्चे आए थे, अलग वो उत्तर प्रदेश से आए थे. आज ही के दिन आज शाम को जा रहे, तो उन्होंने पूछा आप अगर होंगे तो हम मिलना चाहते तो आइए. तो मैं यही उनको कह रहा था कि देखो हमारा हिंदू तो कैसा है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया. एक पिछले 3-4 सालों की बात है, आप भूल गए होंगे या आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा. एक अपना फौजी था कश्मीर में, वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए. जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहे, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याचे हालहाल केले आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया. वो अपना था कि नहीं था जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है? अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था,
तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था, वो अपना भाई ही था। तो ये अगर हमारा हिंदुत्व है, अच्छा अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं। नहीं सांगतो ना, ये रोटी बन आता। ऐसे दोन चार दिवसापूर्वी मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था, सैयदना साहब ने बुलाया था, मैं गया। लेकिन मैं गया, मैंने वहां चपाती नहीं लटली, क्योंकि जो रिश्ता होता है ना उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब कोई रिश्ता नहीं होता है तो ऐसे नौटंकी की जरूरत पड़ती है कि जाकर रोटी कणिक मारा, चपातियां लाटा, झाड़ू मारा। और जब दिल से रिश्ता होता है ना तो बात सीधी दिल से दिल की होती है, नौटंकी की बात करने की, नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने जाकर वहां, उन्होंने मुझे प्रेम से बुलाया, मैं गया। क्योंकि जब बड़े सैयदना साहब थे तो मुझे याद है, मैं छोटा था तो वो भी मेरे पिताजी को मिलने के लिए घर पे आए थे। तो इतने पुराने हमारे संबंध है, कोई आवश्यकता नहीं है नाटक करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी किया, मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे भाई, आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बैठे थे, उस वक्त आपने क्या छोड़ा था? कभी कांग्रेस ने आतंकवादियों को शहीद मानने के लिए तो ये नहीं रखी थी ना शर्त कि ये जो है क्या है अफजल गुरु, त्याला तो शहीदाचा दर्जा द्या म्हणून ते मुफ्ती मोहम्मद आणि मेहबूबा मुफ्ती सांगत होते। उनके साथ आपने सत्ता के लिए उस वक्त क्या किया था आपने, मैं नहीं पूछना चाहता। लेकिन क्या तब भी आप हिंदू थे ना कि उस वक्त के लिए टाइम प्लीज ली थी, जैसे बच्चे लेते टाइम प्लीज। हम हिंदुत्व छोड़ रहे हैं, हम हिंदुत्व पकड़ रहे हैं, ये क्या नौटंकी चल रही है? कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे? और कल की जो बात हुई है सरासर अन्याय है। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी में कुछ लोग वहां चले गए, जाने दो, जिसकी मर्जी मस्जिद जाना चाहे जाए, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाने चाहिए। आपने जो बात कही, और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई मेरे ही लोग मेरे घर मुझे घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है, मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे आज भी लाखों शिवसैनिक है, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया, अब वो मालिक बनने जा रहे। और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है, घर में देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के साथ शुरू किया है, करते जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है हमने? आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए, जो आपके साथ था, आपको साथ आने के लिए आगे चलने के लिए तैयार था। और सिर्फ मैंने मेरे पिताजी को, जो जिसको आप आपका नेता मान रहे हैं, उसी को मैंने वचन दिया था कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री करूंगा। वो वचन निभाने वाला अगर धोखा देता है तो उसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? जिसने हमें धोखा दिया, बाला साहब की शिवसेना को धोखा दिया, उसके तलवे चाटने वाले आपको चलते हैं? वो माझ काय चुकलं होतं, मैं यही तो मांग रहा था। अगर जो बात मैंने उनके सामने रखी थी, चलो ढाई साल तो मैं मुख्यमंत्री था, हालांकि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मेरा सपना नहीं था, लेकिन पवार साहब थे, कांग्रेस के अन्य ज्येष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी आपको ही होना करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना होगा, अन्यथा ये सरकार बन नहीं सकती। तो मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैं बन गया। अगर मेरे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की थी ढाई ढाई साल की, वो अगर निभाते तो अब पहले ढाई साल या बाद में ढाई साल, या तो उनका या तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होकर चला गया होता, और आज ऑफिशियली उनका मुख्यमंत्री शायद होता, या पहले हो जाता था, क्या फर्क पड़ता था? दिन तो उड़ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे लगता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है,
जो कल भी चुनाव आयोग ने फैसला दिया अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है, अभी आग लगी कि ये कैसे कैसे कैसा अन्याय है। नाम ठीक है, मेरे पार्टी को दो नाम दिए गए, दो गुट उन्होंने मान लिए, कभी आज तक ऐसे हुआ नहीं है। जब भी किसी पार्टी में विवाद हुआ, कांग्रेस में भी हुआ था इंदिरा जी के समय पर, तो गाय वासरू, पहले बैल जोड़ी था, पॉइंट गाय वासरू नका विसरू, बैल जोड़ी था फिर गाय वासरू आ गया, पॉइंट गाय वासरू क्या है क्यों बैल जोड़ी क्या है, जो आज तक फ्रीज किया गया है, किसी को दिया नहीं गया। भले दो कांग्रेस को मान्यता मिली, इंडिकेट सिंडिकेट, बाद में और सारे कांग्रेस निकली, लेकिन किसी को भी वो नाम और सिंबल नहीं दिया गया। तो आज भी मेरी अपेक्षा यही थी कि शायद उसी तरीके से कुछ करेंगे, उनका एक गुट और हमारा एक, जैसे उन्होंने वो मान्यता दी ना, यानी नाव घेतलं होतं बाळासाहेबांची शिवसेना, मी मुझे नकाफी की जरूरत नहीं है, मैं सीधे नाम लेकर लोगों के सामने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि उद्धव तू जैसा है वैसे लोगों के सामने जा, लोग स्वीकार करेंगे या नकार देंगे, तो मैं तो सीधा नाम लेके जा रहा हूं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है मंजूर, आ जाओ साथ। आपने धनुष्यबाण फ्रीज किया था, मैंने मशाल ले ली, अब शायद ये भी वो कर सकते, क्योंकि इतनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं कि शायद वो हमारी मशाल भी ले सकते हैं। तो चलो आज मशाल दी है ना, हमने तो ली है, उन्होंने चोरी का धनुष्यबाण लेकर सामने आने की मैंने जो चुनौती दी है, हो जाने दो ना, क्यों डर रहे हैं आप, पूरी सत्ता ताकत आपके पास है, धनुष्यबाण भी आपके पास है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद आप धनुष्यबाण को चुरा सकते हैं, लेकिन ये लोगों के दिल में बैठा हुए राम को नहीं चुरा सकते आप, उनके दिल में जो बैठा हुआ राम है उसके आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, तो भले धनुष्यबाण आपने चुरा लिया तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते। और अभी मुंबई को दासी बनाने की बात चल रही है, मुझे तो अभिमान है, पिछले 25 साल ऐसे नहीं कि मुझे उत्तर भारतीयों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया, दिया ना जरूर दिया, मराठी तो है ही, लेकिन उत्तर भारतीय भी लोग मेरे साथ रहे, गुजराती भी रहे, मुस्लिम लोग भी है, हमारे बैरामपाड़ा से क्या है ना अपना हाजी अली नगरसेवक है, मैं अपन विचार करू शकत नहीं, अरे बैरामपाड़ा शिवसेनेचा नगरसेवक, अभी तो और अच्छी लीड से आएगा, अरुण खान है, यहाँ अलीकडच्या पलीकडचा है, इकडचा तिकडचा, तर दिलेच होते ना सगळ्यांनी सोबत, पण मुंबईला दासी बनवताना आपल्याला एक अभिमान या गोष्टीचं वाटलं पाहिजे की एक जमाना ऐसे था की मुंबई डेफिशिट में थी, 645 कोटी, और चंद्रकांत जी फिर 2012 से लगातार, रविंद्र वायकर जी भी थे, सुबोध कुमार होते, सगळ्यांनी सबने मिलकर जो कोशिश की, आज मुंबई की जो पूंजी है 70,000 करोड़ से भी ज्यादा बैंक में है, इसका अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आए और क्या उन्होंने कहा कि बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, ठीक है बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, ये सिंपल बात क्या हमें समझ में नहीं आती, लेकिन पहले बजट या वो जो पूंजी है वो समझ तो लो क्या है, उसमें से 30-40% उसके ऊपर महापालिका का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसमें राजेश जी तुम्ही पण होता नगरसेवक, त्याच्यात बरेचसे हे जे पैसे आहेत ते कर्मचाऱ्यांचे आहेत, फंड आहेत, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी असेल, पेन्शन असेल, हे असेल ते असेल, मग काही कॉन्ट्रॅक्टरच्या ठेवी आहेत त्याच्यामध्ये जो बाद में वापस लौटाने पडते, और बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता हमें मालूम है, लेकिन शायद आपको पता नहीं प्रधानमंत्री जी, मुंबई महापालिका जो कोस्टल रोड बना रही है वो उसी पैसे से बना रही है जिसके ऊपर टोल लगने वाला नहीं है, त्याला म्हणतात विकास, पण आता एफडी वरती यांचा डाव घाला घालतात, ते एफडी तोडने की बात चल रही है, इसका मतलब यही है कि सारे के सारे देश में भिकारी बनकर मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहने चाहिए, भिकेचा कटोरा घेऊन रोज तुम्हाला माझ्या दारासमोर उभं राहिलंच पाहिजे, यालाच म्हणतात हुकुमशाही। एक तो जीएसटी लगा दिया जो मुंबई महापालिकेचा, महापालिका और राज्य सरकार का डायरेक्ट इनकम जो था वो तो बंद कर दिया, और आपको याद होगा कि कोरोना के समय पर मैं और अजीत दादा पवार हमेशा कहते थे, आज की स्थिति पता नहीं मुझे, जब भी कभी पूछते थे हम हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को, साहब 20 करोड़ से ज्यादा ही केंद्र सरकार से जीएसटी आना बाकी है जो हमें समय पर मिलना चाहिए, तो
जस पैसा बैंक विकास होत नहीं तसा राज्य मुंबई का पैसा केन्द्र खिशात राज्य मुंबई का विकास नहीं होना। निदान मुंबई हक्का जे का है महाराष्ट्र हक्का से ते तो देना, हमें भीख नहीं चाहिए आपकी, दिल्ली की भीख नहीं चाहिए मुंबई को। मुंबई तो पसीना बहाने वाली नगरी है, पसीने की कमाई तो दे दो, आपको पसीना भी नहीं बहाना है। सारे उद्योग आप महाराष्ट्र से गुजरात लेके जा रहे हैं, सगळ्या गोष्टी मुंबईच्या बाहेर महाराष्ट्राच्या बाहेर, आणि वरती येऊन उपकार केल्यासारखं काहीतरी तोंडावरती तुकडे फेकून जायचं, आणि मुंबई आपली दासी बनवायची, त्याच्या आड शिवसेना येते, उद्धव ठाकरे येते, खत्म कर दो इनको पॉलिटिकली, आपके ऊपर है। मी तर मी तुम्हाला सांगितलं मला माझ्यासाठी तर काहीच मी मागत नाहीये, तुम्ही जेव्हा पब्लिक मीटिंग घ्याल, मी माझी दसरा मेळावा असतो तसंच आणखीन परत मीटिंग तर मी घेणारच आहे। मी तर लोकांवरती सांगणार आहे, मी तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही सोबत राहा, आज तर माझ्या हातात काहीच नाही आहे माईक शिवाय, सिर्फ माईक है जिसमें जिस माईक के माध्यम से मैं मेरे दिल की बात आपसे कह सकता हूं, मन की बात नहीं, मेरे मन में कुछ और चलता होगा। मनातले मांडे आपण म्हणतो पण मैं दिल की बात करने वाला हूं, दिल की बात करने वाला हूं, और इसलिए अगर साथ आना चाहते हैं तो साथ निभाना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा, हर संकट में साथ रहना होगा। हाथ उठा के बोलिए हम तुम्हारे साथ नहीं। और इसलिए आपने जो कोरोना की बात सच है, थोड़ी सी वो एक याद कोविड की बात करूं, अभी शायद कितने तारीख को लॉकडाउन हुआ था, 22 से 24 उसके शायद उसे एक वीक पहले से मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने आहिस्ते आहिस्ते कुछ चीजें बंद करना शुरुआत की थी, कुछ चीजें मतलब पब्लिक प्लेसेस, मॉल बंद करो, नाट्यगृह बंद करा, सिनेमा हॉल बंद करा, रेस्टोरेंट, लोगों को एक आदत होनी चाहिए, एकदम झटका नहीं लगना चाहिए। और उस वक्त मैं लगातार केंद्र के साथ कॉन्टेक्ट में था कि मैंने उनको कहा कि कुछ यहां बाहर से जो लोग आए हुए उत्तर भारत से है या कहीं से भी है, वो घर लौटना चाहते हैं, उनको घर लौटने के लिए मुझे ट्रेन दे दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको अगर वो घर जाना चाहते हैं तो घर जाने दीजिए, क्योंकि एक मानसिकता होती है कुछ भी होता है तो अरे घर चलो भाई, अरे घर चलो क्यों यहां, नहीं 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 घर जाएंगे, तो ठीक है ना, घर जाना चाहते हैं तो घर जाने। तो मुझे कहा गया कि नहीं 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 उद्धव जी अभी कैसे, अभी तो मुश्किल है। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने के बाद मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, लोगों को ज्यादा समय तक, मैं ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि लॉक करके, लॉकडाउन मतलब घर का दरवाजा लॉक करके उनको अंदर बंदी बनाया जाए, ऐसे नहीं है। तो नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर जो हुआ लोग बाहर निकले, तो भी मैंने आदेश दिए थे कि जहां भी इनको अगर हम रोक कर उनकी निगाह मतलब निगरानी अपन चांगली ठेवू शकू ते करा। मग जवळपास 7.5-7 लाख लोकांना एक महीना भर हम वो जहां भी रहे वहां कैंप बनाए, खाना तो दिया, साथ में डॉक्टर्स भी रखे, लेकिन फिर भी वो सारे इंसान है, एक दिन वो बांध भी टूट गया और लोग चल पड़े रास्ते पे, पटरी पर चलने लगे, एक दो लोग तो ट्रेन के नीचे ऐसे कुछ बेचारे उनकी जान भी गई। और तब भी मैंने अनिल परब मंत्री थे, परिवहन मंत्री, अनिलला सांगितलं, म्हटलं अनिल सगळ्यांना एसटी दे आणि सगळ्या 7.5 लाख लोकांना त्यांच्या गावाच्या सीमेपर्यंत सोडलं, अनिल परबच मंत्री होते, 7.5 लाख लोगों को मैंने उनके गांव की सीमा तक छोड़ा। कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं हमें यहां तक छोड़ दो, फिर हम स्टेशन रेलवे महाराष्ट्र के बाहर हम रेलवे से जाएंगे, फिर ऐसे सारे लोगों को हमने किया, जो कुछ कर सकते थे किया। त्यावेळेला आम्ही हे बघितलं नव्हतं की मी तर खरं सगळ्यांना सांगत होतो की आप कहीं जाइए मत, आप यही पे रहिए, कुछ नहीं होगा, हम आपका ख्याल रखेंगे, नहीं लेकिन हमें घर जाने दो, ठीक है आपकी मर्जी। आता त्यावेळेला घरी गेले, गेल्यानंतर वो भी एक वीडियो आए थे, पूरे लोग रस्ते पे रुके हुए हैं और पानी भी नहीं पीने के लिए, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो बोले थे इससे अच्छा तो महाराष्ट्र था। तो ये बात है, तो यही मैं कहता हूं कि हम साथ में रह रहे हैं तो सुख में और दुख में हम साथ एक दूसरे के साथ रहे। आणि दुबे जी तुम्ही जे सांगितलं, आता कोणी तुम्ही बोललात ना पवार साहेब यहां बैठे थे,
और उन्होंने दुबे जी ने कहा कि उम्र का कोई ये नहीं है, और ये सच है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि उम्र किसी के हाथ में नहीं है, माणूस वयाने मोठा होतो, पण तो वयाने मोठा झाला तरी मनाने खचला कि तो वृद्ध होतो। तो आज भी दुबे साहब तो यंग है, काम करने की हिम्मत है, एक जिद्द है, आणि आमच आता चांगलं जुळलं आहे महाविकास आघाडीचं, त्याच्यामुळे पवार साहेबांना सांगतो इनको भी कुछ जिम्मेदारी दे दो। वैसे कोई ऐसी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी लेकर अभी ये तो सारी मीटिंग उन्होंने तो की, मैंने नहीं कुछ उनको कहा था, तो वो ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी नहीं तो मैं क्या करूं, तो बोले आप जिम्मेदारी दे दो या नहीं दे दो, मैं तो मेरा कर्तव्य करते रहूंगा। तो ऐसे लोग साथ में आएंगे, और इसलिए मैंने कहा ना, तो सिर्फ शिवसेना की लड़ाई नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक की लड़ाई है। इस देश में प्रजातंत्र लोकशाही जिवंत राहणार की नाही हे आता ठरवण्याची वेळ आलेली आहे, आणि त्याच्यासाठी हम सब एक साथ मिलकर आगे जाएंगे, तो किसकी हिम्मत है अपने देश को गुलाम बनाने की। मैं मेरे देश को, मेरी भारत माता को किसका गुलाम नहीं होने दूंगा, बस एक ही यही शपथ ले लो और आगे चलो, एक ही शपथ ले लो। तो मैं मानता हूं कि अभी पिछले रविवार भी मैं आया था आपके यहाँ गोरेगांव में आया था, आज यहाँ पता नहीं अगला रविवार कहाँ है या कहाँ है, लेकिन ये तो अभी ये शुरुआत तो हुई है, उसको आगे हम और लेके जाएंगे। अभी थाना में अभी मतलब आगे थाना में जाना, हाँ थाना और मुंबई, तुम्हें जिकड़े मनाल तिकड़े में ये तो भाई अंदर आ रही, तो मैं मासो पड़े पहले भाई अंदर आ जा। तर हा हे आपलं एक नातं आहे, आणि मला खरंच आनंद आहे की इकडे मी एक हिंदी बोलायची प्रॅक्टिस थोडीशी वाढवतोय, पण मला असं मी जर जेव्हा म्हणतो की तुमच्यापैकी काही जण अतिशय शुद्ध मराठी बोलतात, आता एवढं सगळेजण आपण मिळून मिसळून गेल्यानंतर, एवढं आपण एकत्र आल्यानंतर मग निवडणुकीत वेगळं करायचं, इलेक्शन में चुनाव के दरम्यान आप उत्तर भारतीय होते हैं, मैं महाराष्ट्रीय मराठी होता हूं, क्यों? आता सगळे आपण आहोत ना, जसं मी हिंदुत्वाची हे सांगितलं तुम्हाला काय भाषा सांगितली, आणखीन सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, तर आपण आता आता काल हा काल अमित शाह आहे ते उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, और दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं है, आपने तो दूध में नमक डाला है, आपने दूध में नमक डाला है, उसको अभी हमें सुधारना है, आता त्या दुधामध्ये साखर टाकायला तुमची साथ मला पाहिजे। आणि एकदा का आपली एकजूट झाली की मग ती अशी मजबूत असेल की ती कोणी किती तुडू म्हटली तरी तुटायची नाही। आता दलित पैमी होऊ देऊ नका, कधी काय असलं तर आपण संपर्कात आहोत, अनिल परब तुमच्या संपर्कात आहेत, वायकर आहेत, सगळेच आहेत, तृतीयताई आहेत, राऊत देव, सगळेच आहेत। तर आता एक दुसऱ्याबरोबर आपण संपर्क ठेवूया, आणि कुठेही जरा असं काय वाटलं की खुटकन काही होत आहे त्याचं लगेच स्पष्टीकरण देऊन टाकू, ठीक आहे? तर आता याच्यापुढे सगळे सोबत राहाल अशी आशा नाही, खात्री बाळगतो, आणि तूर्त आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।